हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ों के इस सफ़र में आज हम आपको ले चलेंगे देहरादून की एक ऐसी ही खूबसूरत और बेहद पसंदीदा जगह सहस्त्रधारा। यहाँ पहुँचने की सबसे खास बात है कि जितना खूबसूरत सहस्त्रधारा है उतना ही बेहतरीन इसका सफ़र भी है। अगर आप देहरादून एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जब भी आप बाइक राइड पर सहस्त्रधारा तक जाएंगे तो ये घुमावदार रास्ते, सड़क किनारे बहती नदी और नदी के ऊपर लगे सतरंगी झंडे, थोड़ी देर के लिए आप इस बेहतरीन नज़ारे को देख कर जन्नत सा फील करेंगे। क्लॉक टावर से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा एक लाजवाब पिकनिक स्पॉट है, जहां आप महादेव मंदिर के दर्शन से लेकर नदी और फैमिली पिकनिक स्पॉट सभी तरह का लुत्फ उठा सकते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ आने वाला पानी प्राकृतिक रूप से बहता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ नहाने से तमाम तरह के स्किन रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए चेंजिंग रूम और लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। सहस्त्रधारा पहुंचने के लिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर दर्शनलाल चौक से डायरेक्ट टैक्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां ऑटो बुक करके भी आ सकते हैं। सहस्त्रधारा के जिस पिकनिक स्पॉट पर हम पहुंचे, उस जगह की खूबसूरती को बयां कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। यह जगह सच में किसी का भी दिल जीतने के काबिल है। यहाँ जैसे ही आप एंट्री करेंगे, देवभूमि की झलक देता एक खूबसूरत सा मंदिर आपको दिखाई देता है। यहाँ दर्शन के साथ ही आप इसके अंदर बनी गुफा में जरूर जा सकते हैं। यह गुफा यहाँ आने वाले सैलानियों में अच्छी खासी फेमस है। We'll be right back.
सहस्त्र धारा को पूरे देहरादून के सबसे बेहतरीन और लाजवाब पिकनिक स्पॉट में से एक माना जाता है। और हो भी क्यों ना, मन को शांति देता मंदिर, मंदिर से निकलते ही एडवेंचर के लिए खूबसूरत नदी और नदी के सामने खाने पीने के लिए खूबसूरत सा कैफे, सब कुछ तो है यहाँ। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इससे अच्छा स्पॉट और क्या ही होगा। नदी के किनारे बने इस कैफे में आप स्नैक्स से लेकर चाय, कॉफी और मैगी का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी मार्केट भी है जहां आप अपनी जरूरत की कुछ चीजें भी खरीद सकते हैं। इस स्पॉट के ठीक थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको गर्मियों के लिए एक वाटर पार्क भी दिखाई देगा। अब गर्मियों में इस वाटर पार्क में तमाम तरह की फन एक्टिविटीज़ और एडवेंचर का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं और पहाड़ों, नदियों और ऐसे ही नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो सहस्त्र धारा आपके लिए बेहतरीन विकल्प है।
फिलहाल आज के सफर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।